हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग हो गई है, सभी कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और मैं रेडी हो चुका हूँ, रेडी होके अभी अभी बस टेरेस पे गया था सूर्य देवता जी को प्रसन्न करने। सूर्य देवता जी ने मुझे प्रसन्न करके भेज दिया, पूरा ऊपर से नीचे तक गर्म कर दिया है। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि बस 2 मिनट खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और ज़मीन बहुत गर्म थी और पानी भी गर्म, और हर चीज़ें गर्म ही गर्म। आशीर्वाद पूरा दिया सूर्य देवता जी ने, पूरे नीचे से ऊपर तक गर्म होके आया हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैंने सोचा 2 मिनट एसी में भी रुक जाऊँ और आप लोगों से बातचीत भी हो जाए मॉर्निंग की। तो पसीना सुखा रहा हूँ और चलते हैं अभी नीचे, ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा ऑफिस। ऑफिस में देखते हैं आज क्या क्या काम है, और हो सकता है क्लाइंट वगैरह कोई आए हैं तो देखते हैं। और आज ट्यूसडे है, मंदिर का भी कुछ ऐसा ही प्लान नहीं है कहीं जाने का, हो सकता है नियरेस्ट वाले मंदिर ही जाऊँ। बाकी उस साइड गया तो कर जाएंगे दर्शन उधर भी, ऐसी क्या बात है, ज़रूरी नहीं है कि महीने में एक ही बार, जैसे भी होगा चले जाएंगे। और ट्रिप का आप सबको पता लग ही गया है, और फिलहाल अभी चलता हूँ। दिन में आज निकलने का कहीं है नहीं प्लान, बाकी मूड भी नहीं होगा क्योंकि गर्मी इतनी है, तो मन करता है इवनिंग में ही कहीं निकलूँ। फिर भी देखते हैं, कोई ऐसा काम आ गया तो निकलना पड़ेगा। चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलते हैं, फिर आपसे शेयर करता हूँ जैसा भी होता है, जहाँ भी जाना होगा बातें करते हैं फिर। भाई अभी निकला था किसी काम से, और धूप तो हो रही है लेकिन मेरे काम था, पहले निकल के अभी आ रहा है, ग्रीन हो रही है, थोड़ा रेलवे क्रॉस कर लूँ पहले। हाँ तो भाई रोड क्रॉस कर लिया मैंने, ग्रीन रेलवे हो रही थी और धूप है, धूप में हवा बहुत गर्म चल रही है। मन तो नहीं था निकलने का लेकिन काम था कुछ मुझे अर्जेंट, तो इसलिए निकलना भी पड़ा। अब काम के सामने तो फिर धूप हो चाहे बारिश हो, फिर तो सारी चीज़ें देख छोड़नी पड़ती है। पर यही एक काम है, उसके बाद देखता हूँ निकलूँगा नहीं तो फिर इवनिंग में निकलूँगा, कहीं और तो जाऊँगा नहीं, मन नहीं है। उसके बाद तो धूप बहुत ज़्यादा है, और आज का दिन अब देखो सही जाएगा अब, लेकिन अब गर्मी हो गई है। गर्मी में तो थोड़ा दिन में आलस सा आया था, निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। एस क्लास देख लो, बढ़िया लगती है एस क्लास मुझे। आज ट्रैफिक सा दिख रहा है, मतलब आज ट्रैफिक है ऐसा लग रहा है, इनका मन नहीं है चलाने का। आज ट्रैफिक पता नहीं क्यों लग रहा है, या तो गर्मी बढ़ गई है, लोगों ने बाइक स्कूटर छोड़ के गाड़ी में निकलना चालू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि आगे कोई गाड़ी ना आए, बस गर्मी इतनी लगती है, जहाँ पहुँचने जल्दी से पहुँच जाऊँ। ये देखो बीच में भाइयों, मैं आया था किसी काम से आज यहाँ पर, तो वापस आ रहा हूँ। और आज का दिन सही गया, गर्म दिन था, गर्मी थी बहुत, और आज मेरा ऐसा कहीं जाना हुआ भी नहीं, आज घर पे ही था, सॉरी घर पे था, ऑफिस में ही था। इवनिंग में थोड़ा सा बिज़ी हो गया था मैं, तो वहाँ से फ्री हो नहीं पाया मैं, इसलिए आज कहीं गया नहीं क्लाइंट वगैरह के पास। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बातचीत करता हूँ आपसे। हाँ जी भाइयों, तो मैं आज कहीं गया नहीं और बातचीत आपसे ज़्यादा हो भी नहीं पाई, तो मैंने सोचा बातचीत अभी कर लूँ, थोड़ा किसी काम से आया था तो यहीं पे मैं आ गया था आपसे बातचीत करने के लिए। और कल देखता हूँ, कल कहीं ना कहीं निकलूँगा, कल कोई नया रूट सोच रहा हूँ, नया रूट कुछ आपको नया दिखाऊँ, कुछ डिफरेंट। रेगुलर वाले रूट पर जाते रहता हूँ, कहीं अलग जाएंगे। कल कल वेडनेसडे है, और फिर परसों मुझे ट्रिप पर जाना ही है, परसों ट्रिप पर निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। वो मैं आपको कल अपडेट कर दूँगा, कल वाले व्लॉग में जो आप देख रहे होंगे जब मैं निकल चुका हूँ ट्रिप में, वैसे ये बात भी है। तो अभी आपको बता देता हूँ, मैं थर्सडे को मॉर्निंग में निकलूँगा ट्रिप पर मैं, तो ट्रिप का व्लॉग आएगा फ्राइडे को, थर्सडे को शूट होगा सारा, वो ट्रिप का शूट होगा, वो आपको फ्राइडे को व्लॉग आएगा। और आज का दिन सही गया, कुछ खास था नहीं ऐसा, कुछ कुछ अलग हुआ ना, कहीं मैं अलग जगह गया, मॉर्निंग में कहीं गया था वो आपको पता ही है, दिन में गया था, सॉरी मॉर्निंग में तो नहीं, उस टाइम मैंने आपको बताया था बहुत गर्मी थी। और एक्चुअली वो उस टाइम क्या हुआ, इशू हुआ कि आपसे बातचीत करते करते मैं जा रहा था और कोई कॉल आ गई मेरे पास, कॉल आई तो पता नहीं चला, और आज मैंने वॉच पहनी भी नहीं थी, तो कॉल लैंड हो गई और कॉल कट गई, कॉल कटते ही वो मेरा जो कैमरा बंद हो गया। अब कैमरा बंद होने की वजह से शूट हो नहीं पाया, मुझे लगा शूट हो रहा है,
तो वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मुझे भी पता नहीं चला, कॉल का भी पता चला, कॉल का पता लगता तो 1% मैं रोक भी लेता फिर मैं और चेक कर लेता, कॉल का पता नहीं चला तो फिर अब वो वाला शूट हो ही नहीं पाया। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई आज और शूट हो नहीं पाया, अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कुछ रह गया आज। और कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। वॉच का मैं ध्यान रखूँगा, वॉच को मैं चार्ज करके रखूँगा प्रॉपर, क्योंकि वॉच के बिना ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो वॉच पे जैसे कॉल आते तो पता लग जाता है मुझे कॉल आ रही है, तो मैं फिर उस टाइम ध्यान रखता हूँ, रोक लेता हूँ बाइक को या देख लेता हूँ कॉल्स किसकी आ रही है क्या है, तो मैं दोबारा से कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो कॉल जब आती है इसमें पता ही चलता है बिना वॉच के, तो मैं वॉच को चार्ज कर लिया करूँगा। और बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि डिस्चार्ज है तो मॉर्निंग में जितनी चार्ज होगी उतनी कर लूँगा, फिर इवनिंग में चाहे दोबारा कर लूँगा, लेकिन वॉच को अब से अलग नहीं करूँगा अपने आप से, वॉच को अपने साथ ही रखूँगा। अलग से करने से वॉच को ना फिर दिक्कत हो जाती है। अब इवनिंग मैंने वॉच पहनी, इवनिंग फिर कहीं जाना हुआ ही नहीं, और मॉर्निंग का जो मेन वॉच का काम था वो रह गया। अब कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है इश्यूज़। तो इसलिए आज का व्लॉग मेरे को लगता है बहुत छोटा ही बनेगा, क्योंकि कहीं जाना आना हुआ ही नहीं, कुछ बातचीत हो ही नहीं पाई आपसे। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब व्लॉग कर रहे हैं तो पूरा ही व्लॉग आएगा, घर पहुँचने के बाद थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे आपस में। आज बाहर का शूट नहीं तो घर का शूट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। और 2000 के नोट की आजकल बड़ी बातें चल रही हैं मार्केट में, जिसके भी ले 2000 का नोट, पेट्रोल पंप वगैरह पे भी 2000 का नोट दिखा रहे हैं लोग, थोड़ा बहुत पेट्रोल लगाएं। तो आजकल पेट्रोल पंप वालों ने भी बना लिया तरीका कि अगर 3000 का डलवाओगे तो 2000 रुपये का 2000 का नोट तब लेंगे, और क्या 2500 के लेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। मैंने तो आज कोई पेट्रोल डलवाया नहीं वैसे, बट मुझे थोड़ा सा आइडिया था उसका, तो इस वजह से मैंने चलो आगे के लिए पता रहेगा, 2000 का नोट होगा तो 3000 या 4000 का पेट्रोल डलवाना है, इसको बैक करने दो। तो पेट्रोल का आइडिया हो गया कि कितने का डलवाना है अगर 2000 का नोट चलवाना है तो। बाइक पे तो मेरे को लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइक पे तो 2000 का पेट्रोल आएगा भी नहीं। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा है भी नहीं, हो जाएगा सब सेटलमेंट, 6 महीने का टाइम है अभी तो सब हो जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से यूज़ करो, आराम से स्पेंड करो, कोई फालतू स्पेंड करने की जरूरत नहीं। लोग सोचते हैं कि 2000 का नोट चलाना है, चलो कुछ ना कुछ ले लो, कुछ ना कुछ कर लो, तो फालतू अननेसेसरी इसको खर्च ना करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करो, उसी अकॉर्डिंग आप चलने दो। और अभी मैं पहुँचता हूँ घर, फिर बातचीत करते हैं। भाई मैं आ गया था ज़रा, जो काम से गया था सामान वगैरह लेने गया, तो सामान लेके आ गया था मैं। और आज मंदिर में गया था पास वाले में ही, आज मैं सीपी नहीं किया क्योंकि सीपी में शायद लास्ट या उससे पहले वाले तुलसी चला गया था, जो आप सबको दिखाया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश था। तो अब बस अब रूम में आ गया था मैं, थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, आज बातचीत हो नहीं पाई है। और मंदिर में यहीं चला गया, बताई थी मैंने आपको। अब ये प्लानिंग है अब मेरे को नेक्स्ट कौन सी कार की मैं रिव्यू करूँ या बाइक का रिव्यू करूँ, देखता हूँ। मैं सोच रहा था बाइक का करूँ इस बार, क्योंकि एक बार कार एक बार बाइक ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, या फिर बाइक कार का करूँगा, देखता हूँ जैसा भी बनेगा वो मैं आपको पहले अपडेट दे दूंगा कि कार का आएगा बाइक का आएगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी का आएगा किसका आएगा, ये बता दूंगा कार का आएगा बाइक का आएगा, उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि किस चीज़ का रिव्यू आएगा। अभी टाइम लगेगा, अभी तो नहीं, अभी तो पहले यहाँ से ट्रिप से होके आऊँ, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। और क्योंकि मेरे को ये एक दो जने हैं लिंक में और एक दो मेल भी आई हैं जो कह रहे हैं मुझे रिव्यू के लिए, तो जिनसे भी मेरी कोऑर्डिनेट बनेगा, जिनसे भी मेरी सही बनेगा, और मेरे को जिसमें इंटरेस्ट लगेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 3-4 साल पुराना तो व्हीकल हो, बाइक हो चाहे कार, 3-4 साल पुराना होना चाहिए। नए व्हीकल का नहीं बनाऊँगा मैं, नए का तो मैं जितना मर्जी बना लूँ, बहुत है नए वाले, लेकिन नए का तो दुनिया डाल रही है। तो यही है कि 3-4 साल कम से कम पुराना व्हीकल हो, उससे ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि उस बंदे ने ड्राइव कर रखी होगी, उसको हर प्रॉब्लम से और हर अच्छाई से उसको पता होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए का तो कुछ पता नहीं चलता कि नए नए व्हीकल बंदे ने लिया है, उसको तो सब चीज़ें फीचर्स अच्छे लगते हैं, सब चीज़ें अच्छी लगती है नए में तो, लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू फेस ना करें, उस इशू में कैसा उसके साथ दिया गाड़ी ने, तब तक उसको जज नहीं कर सकते हम गाड़ी को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं 3-4 साल कम से कम चली हुई गाड़ी का बनाऊँ। तो बाकी देखते हैं आप कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक आती है, देखेंगे कोई ना कोई तो बनाऊँगा, और बढ़िया ही बनाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, इससे अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ। और बाकी तो और कुछ नहीं है, आज का दिन अच्छा गया, काम वगैरह जो था वो काम हो ही गया, कहीं जाने का मेरा बना नहीं है, दिन में मैं चला ही गया था, वो लोग मेरा आधा रह गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। अब पहले तो मुझे शेव करानी है, कल है वेंसडे, कल सबसे पहला काम है मेरा सलून जाना है, शेव करानी है,
जिससे मैं कराता हूँ वो आ भी गया, उसका आज फोन आया था लेकिन मैंने कहा ट्यूसडे आज मैं आऊँगा भी नहीं, और सर भी उसका बंद था बट उसने मेरे को इंटीमेट कर दिया कि मैं आ गया हूँ, आप आ जाना कल कल मॉर्निंग में, तो शायद मुझे टाइम ना मिल पाए, देखूँगा अगर मॉर्निंग में टाइम लगा तो मॉर्निंग में, अदरवाइज़ फिर मैं इवनिंग में जाऊँगा या दिन में, जैसे मेरे को टाइम लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग जाके कल ये लुक थोड़ी सी चेंज करा दूँगा। हो सकता है मॉर्निंग वाले ब्लॉग में तो ऐसे लुक मिलेगी आपको, और दिन वाले ब्लॉग में या इवनिंग वाले ब्लॉग में जो वो कंटिन्यू चल रहा होगा उसमें लुक चेंज हो जाएगी, क्योंकि परसों ट्रिप पे भी जाना है तो कल तो कराना बहुत ज़रूरी है। कल जैसे टाइम मिले सबसे पहले सलून जाऊंगा मैं, और जहाँ भी कहीं जाना हो वो सब आपको अपडेट मिलती रहेगी, पता लग जाएगा। एक एक्चुअली में मेरे जानकार बंदे ने एक बात आपको अपडेट करने देना भूल गया, एक मेरा ही नॉन में बंदा था वो गैजेट्स वगैरह का उनका है लिंक, तो वो मेरे लिए आज लेके आए माइक, लेकिन मैं इतना बिजी था आज मैं माइक देख ही नहीं पाया, तो माइक अभी मेरा ऑफिस में रखा हुआ है, उन्होंने मेरे को माइक ला के दिया कि ये माइक लो इसको ट्राई करो सैमसंग में कनेक्ट हो जाएगा ये, तो माइक अभी ऑफिस में रखा है, मुझे टाइम नहीं लग पाया बिल्कुल भी, माइक देखने तक का भी टाइम नहीं था आज, थोड़ा सा बिजी ऐसा हो गया था मैं इवनिंग से ही, तो कल माइक को देखूंगा और माइक मेरे को लगा कि कनेक्ट हो रहा है तो क्योंकि मैं पहले अनबॉक्सिंग कर लूँगा, क्योंकि पहले वाला अनबॉक्सिंग मैंने करी वीडियो बना के उसमें कुछ था ही नहीं, वो सारा बेकार हो गया, तो पहले मैं चेक करूँ कनेक्ट हो रहा होगा तो उसकी दोबारा से अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कनेक्ट हो रहा है कैसा माइक है, और बढ़िया हुआ तो आप सबको मैं सजेस्ट जरूर करूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, रात हो गई है, ब्लॉग को एडिट करना है, और मौसम बाहर ऐसा हो रहा है बारिश वाला, हो सकता है बारिश आ जाए कल या रात को ही बारिश आ जाए, मौसम हो रहा है पूरा, हवा चल रही है ठंडी और हल्की हल्की बारिश की बौछार थोड़ी सी चालू हो गई थी, देखते हैं आ जाएगी बारिश तो कल मौसम बदल जाएगा, नहीं तो भाई गर्मी तो है ही। चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।